एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आई क्यू। एग्जाम आई क्यू इस वीडियो में झारखंड के जिले के बारे में बात करेंगे। तो झारखंड के जिले जेपीएससी और जेएसएससी के लिए एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो इसी टॉपिक के अंतर्गत आज पढ़ेंगे गिरिडीह जिले के बारे में। तो गिरिडीह जिले से जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे सवाल आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गिरिडीह जिला। तो बिना वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहला सवाल आता है इसकी स्थापना के बारे में। तो गिरिडीह जिले की स्थापना कब हुई? 4 दिसंबर 1972। गिरिडीह जिले की स्थापना 4 दिसंबर 1972 को हुई, लेकिन किस जिले से अलग होके? तो गिरिडीह जिले की स्थापना हजारीबाग जिले से अलग होके हुई है। और गिरिडीह जिला कौन सा प्रमंडल के अंतर्गत आता है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय हजारीबाग है। और गिरिडीह जिला किस जिले से अलग हुआ है? हजारीबाग से। और इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1972। अगला पॉइंट देखते हैं। तो गिरिडीह जिला का क्षेत्रफल कितना है? बुक में आपको कुछ भी डेटा मिले उसको ध्यान नहीं देना है, लेकिन गिरिडीह जिला का जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो उस वेबसाइट में 4853.56 किलोमीटर स्क्वायर है। तो यही सरकारी आंकड़ा है, तो 4853.56 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। आगे क्या है? और अगला पॉइंट है, आज़ादी के बाद बनने वाला झारखंड क्षेत्र का दूसरा जिला है गिरिडीह। तो आज़ादी के बाद झारखंड क्षेत्र में बनने वाला झारखंड का दूसरा जिला गिरिडीह है। तो पहला जिला कौन है? पहला जिला कौन है? झारखंड। तो धनबाद पहला जिला था झारखंड क्षेत्र का जिसका निर्माण आज़ादी के बाद हुआ था, और गिरिडीह दूसरा जिला है। आगे, गिरिडीह जिले की सीमा 6 जिलों को छूती है। तो कितने जिलों को छूती है? तो गिरिडीह जिले की सीमा जो है टोटल 6 जिलों को छूती है। कौन कौन जिला है? कोडरमा, हजारीबाग तो हो गए ही क्योंकि हजारीबाग जिले से ही गिरिडीह जिले का निर्माण हुआ है। कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा। इसके अलावा गिरिडीह जिले की सीमा बिहार के 2 जिलों के साथ भी लगी हुई है। कौन कौन? जमुई और नवादा। तो गिरिडीह जिले में झारखंड के 6 जिले और बिहार के 2 जिले की सीमा लगती है। और इसी दृष्टि से झारखंड की सबसे अधिक जिलों की को छूने वाली जिला कौन है? गिरिडीह। टोटल 6 जिलों को छूती है, और गिरिडीह के अलावे हजारीबाग भी 6 जिलों को छूती है। तो दोनों माइंड में रखिएगा। तो झारखंड को सबसे अधिक जिलों को छूने वाली जिला कौन है? गिरिडीह और हजारीबाग। गिरिडीह जिले में प्रखंड कितने हैं? तो गिरिडीह जिले में टोटल 13 प्रखंड हैं। तो गिरिडीह जिले के अंतर्गत प्रखंडों की संख्या 13 है। अनुमंडल कितने हैं? 4 अनुमंडल। कौन कौन अनुमंडल? तो गिरिडीह एक अपने अनुमंडल है, गिरिडीह। इसके बाद अनुमंडल आता है डुमरी, सरिया, और एक चौथा अनुमंडल खोरी महुआ। तो गिरिडीह जिले में 4 अनुमंडल हैं। और गिरिडीह जिले में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। तो झारखंड का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला जिला पूछे तो गिरिडीह हो जाएगा। आगे, गिरिडीह जिला से कई महत्वपूर्ण व्यक्ति का संबंध भी है। तो जेसी बोस का जन्म 23 नवंबर 1933 को गिरिडीह जिले में देहांत हुआ था। जन्म नहीं हुआ था, देहांत हुआ था। कहाँ पे? 23 नवंबर 1933 को गिरिडीह जिले में। किसका? जेसी बोस का। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना पुस्तक शिवाजी उत्सव गिरिडीह में ही रह कर लिखा था, और कहाँ पे रहा था? द्वासिका भवन में। और महान संख्यांकी पीसी महालनोबिस का जन्म गिरिडीह में हुआ था। कब? 29 जून। और 29 जून को ही भारत में सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, यानी कि स्टैटिक डे 29 जून। जिसका जन्म पीसी महालनोबिस का जन्म कब हुआ था? गिरिडीह में। कहाँ पे? 29 जून को। और पीसी महालनोबिस का पूरा नाम क्या था? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और ऐसी मान्यता है, और गिरिडीह में एक प्रसिद्ध कॉलेज है आरके महिला कॉलेज, जो इसी पीसी महालनोबिस की संपत्ति है। और फिल्म मेकर सत्यजीत रे का बचपन गिरिडीह में बीता था। तो सत्यजीत रे से क्या सवाल बनते हैं स्टैटिक में, आपको बता सकते हैं। इसका बचपन कहाँ बीता था? गिरिडीह में। अगला पॉइंट क्या है? तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का भी जन्म कहाँ पे? गिरिडीह जिले में। अगर गांव पूछे तो कोदई बाग। सितार सरोद वादक मोर मुकुट केडिया और मनोज केडिया का संबंध किस जिले से है? गिरिडीह जिले से। मोर मुकुट केडिया और मनोज केडिया का संबंध गिरिडीह जिले से, जो सितार वादक है। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी बजरंग सहाय का संबंध गिरिडीह से है। मनोरंजन गुहा जो प्रसिद्ध उद्योगपति थे, इसका भी संबंध गिरिडीह जिले से है। और महात्मा गांधी का आगमन गिरिडीह जिले में कब हुआ था?
गिरिडीह में आगमन 6 अक्टूबर 1925। वे महात्मा गांधी मधुपुर से चल के गिरिडीह आए थे। वे मधुपुर से पहले गिरिडीह पहुंचे 6 अक्टूबर 1925, उसके बाद 7 अक्टूबर 1925 में खरगड़िया गए थे। तो इतिहास में जो एक खरगड़िया राज्य जो पढ़ते हैं, जिसकी स्थापना हंसराज देव ने किया था, वो गिरिडीह जिले में ही है। वही राज्य में खरगड़िया 7 अक्टूबर 1925 को गांधी जी पहुँचे थे। एक संत लंगटा बाबा है, जिसकी भी समाधि कहाँ पे है, गिरिडीह जिले में। और लंगटा बाबा मेला कहाँ पे लगता है, गिरिडीह जिले में ही। तो लंगटा बाबा की समाधि स्थल गिरिडीह, और इसी के नाम पे एक लंगटा बाबा मेला भी लगता है जो गिरिडीह में है। और गिरिडीह जिले में है चिलखारी नरसंहार से का संबंध है। तो चिलखारी नरसंहार कहाँ पे हुआ था, गिरिडीह जिले में। और इसी नरसंहार में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी का नक्सलियों का निधन हुआ था, नक्सलियों के द्वारा मारा गया था। इसके बाद गिरिडीह जिले के 3 प्रमुख नदी हैं, कौन कौन, बराकर नदी जो दामोदर की सहायक नदी है, उसरी बराकर की सहायक नदी है, इसके बाद क्यूल, और क्यूल नदी जो है गिरिडीह जिले के तीसरी पहाड़ से निकलती है। और उसरी नदी पे एक प्रसिद्ध फॉल है, उसरी फॉल। तो उसरी जलप्रपात कहाँ पे है, उसरी नदी पे, गिरिडीह जिले में। और बराकर नदी कहाँ से निकलती है, हजारीबाग के पद्मा से निकलती है। आगे देखते हैं, और गिरिडीह जिले में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज है, तो यूनानी मेडिकल कॉलेज गिरिडीह में है। और गिरिडीह में एक शोध संस्थान क्या है, मुर्गी पालन शोध एंड विकास संस्थान कहाँ पे है, गिरिडीह में, झारखंड के। मुर्गी पालन एंड शोध एंड विकास संस्थान गिरिडीह में है। इसके बाद गिरिडीह में कुछ नाट्य ग्रुप हैं, कौन कौन, तेतास नाट्य ग्रुप, त्रिमूर्ति रंगालय और युवा रंगमंच। और गिरिडीह जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, गिरिडीह जिले में टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र है, कौन कौन, गिरिडीह अपने एक विधानसभा क्षेत्र है, बगोदर, डुमरी, गांडे, धनवार, जमुआ। तो गिरिडीह जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 6 है। और गिरिडीह खुद एक लोकसभा क्षेत्र है। और गिरिडीह में एक प्रसिद्ध कोल फील्ड है, जिसका नाम क्या है, बनियाडी कोल फील्ड। तो बनियाडी कोल फील्ड कहाँ पे है, जो CCL के अंतर्गत कार्यरत है। और गिरिडीह में एक प्रमुख कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में देखते हैं। तो पार्श्वनाथ अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1981 में हुई, कहाँ पे है, गिरिडीह जिले में। और पार्श्वनाथ अभयारण्य के अंतर्गत ही एक पार्श्वनाथ पहाड़ी है, जो जैन धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है। और पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड का सर्वोच्च ऊंची चोटी है। अगर पार्श्वनाथ पहाड़ी से बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर। अगर फीट में बात की जाए तो 4480 फीट। और पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है विंध्याचल पर्वत का ही भाग है। तो पार्श्वनाथ पहाड़ी को अन्य नाम क्या क्या है, कुछ अन्य नाम है, संवेद शिखर, शिखर जी, सिद्ध क्षेत्र और तीर्थराज। तो ये सब नाम माइंड में रखना है, संवेद शिखर, शिखर जी, सिद्ध क्षेत्र और तीर्थराज। और पार्श्वनाथ अभयारण्य के ही अंतर्गत कुछ और मंदिर और झरना है, कौन कौन है, कुंथुनाथ मंदिर, सीता नाला, जल मंदिर, नदीश्वर द्वीप, आनंदकूट, सशस्त्रकूट और गंधर्व नाला। तो गंधर्व नाला कहाँ पे है, पार्श्वनाथ में ही। इसके बाद पार्श्वनाथ से 2 मंदिर के बारे में और पूछे जाते हैं, हरिहर धाम कहाँ पे है, बगोदर में स्थित है, गिरिडीह जिला में। इसके बाद झारखंड धाम कहाँ पे है, गिरिडीह जिले में। और झारखंड धाम एक छत विहीन मंदिर है, यानी कि उसका जो गुंबद होता है ऊपर में वो नहीं है, केवल खुला है। तो झारखंड धाम मंदिर कहाँ पे है, गिरिडीह जिले में, छत विहीन मंदिर है। इसके बाद गिरिडीह जिले के नीमटाण में एक राजदह धाम भी है। और कबीर ज्ञान मंदिर कहाँ पे, जिसका हाल ही में निर्माण हुआ है, तो कबीर ज्ञान मंदिर गिरिडीह जिले में है। और कबीर गिरिडीह जिले में एक प्रमुख बांध है, क्या क्या है, बालपहाड़ी डैम जो बड़ाकर नदी पे है, और वहाँ बालपहाड़ी डैम से बिजली का भी उत्पादन होता है। और खंडोली जलाशय कहाँ पे है, गिरिडीह जिले में। खंडोली पहाड़ कहाँ पे है, गिरिडीह जिले में। और गिरिडीह जिले में कुछ औद्योगिक फैक्ट्रियाँ भी है, जैसे कि प्रमुख क्या क्या हो जाएंगे, मुंगिया स्टील, बालमुकुंद, अतिबीर, लंगटा बाबा, सलूजा गोल्ड, ये सब आपको माइंड में रखना है। तो अगले जिले के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक पिछले वीडियो देखते रहिए।